हाय फ्रेंड, वेल्कम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का जो भी थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें फर्स्ट यूनिट को मैंने कवर कर लिया है और उससे आधारित जितने भी एमसीक्यू थे जो इससे प्रीवियस ईयर बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछे गए थे उन सबको भी मैंने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को हम लोग कवर कर लेंगे, फिर सेकेंड यूनिट पर आधारित जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है ये सेकेंड यूनिट। तो हम लोग जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो उसमें दो प्रकार का सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अब विंडोज़ का नाम सुनेंगे तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खासकर लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अगर विंडोज़ आपके लैपटॉप में नहीं है या कंप्यूटर में नहीं है तो आप फिर उसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसमें नहीं चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या कर दिया है, कुछ को हाईलाइट कर दिया है ताकि जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दो बात ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो दो तरह का यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर से जुड़कर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे पाए, कंप्यूटर को चला पाए। तो जो यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो पहले पुराने ज़माने में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस चलता था, CUI। तो वहाँ पे कमांड्स आपको याद रखने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो यहाँ पे कमांड आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स है, छोटे छोटे आइकॉन्स हैं, विंडोज़ हैं, मेनू हैं, इन सबको आपको बस क्लिक करना है माउस से और आपका काम हो जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में ये सब नहीं होते थे तो वहाँ पे कमांड आपको जा करके रखने पड़ते थे। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आजकल के मॉडर्न जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें देखने को मिल रहा है। तो GUI का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, CUI का भी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड GUI में कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे पॉपुलर आज के डेट में देखा जाए तो विंडोज़ ही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर है और यही आपको पढ़ना भी है, विंडोज़ से रिलेटेड ही नॉलेज आपको लेना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कई सारा वर्जन है, ठीक है। तो एक 95 ये भी वर्जन है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 और यहाँ पे लिख रहा है करंटली विंडोज XP। हालांकि जिस ज़माने का ये सिलेबस है, NIOS का ही सिलेबस बेल्ट्रॉन प्रेफर की है, मतलब आपको रिकमेंड किया है, तो NIOS का ही आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो NIOS के सिलेबस में उसमें लिखा गया कि करंटली XP चल रहा है, विंडोज विस्टा चल रहा है, विंडोज 7 चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि विंडोज 7 भी गुजरे ज़माने की बात हो गई है, विंडोज 10 आप यूज कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे। तो लेटेस्ट अगर देखा जाए आज के डेट में तो विंडोज 11 पे हम काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट वर्जन विंडोज का क्या है, विंडोज 11, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन विंडोज XP ही आपको पढ़ना है और विंडोज 7 का भी नॉलेज आपको रखना होगा, ठीक है। XP और विंडोज 7 मिलता जुलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आपको XP से दिया जाएगा एग्जाम में और विंडोज 7 से दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें विंडोज XP और विंडोज 7 से क्वेश्चन बना था और इस एग्जाम में देखिए क्या करता है, अगर विंडोज 10 से भी बना दे तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन को टॉप करने के लिए कर सकता है। चलिए तो ये विंडोज़ से रिलेटेड जानकारी आपको मिल गया, विंडोज़ का वर्जन आपको याद करके रखना है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो GUI, इतना आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब विंडोज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे अभी आपको जो दिख रहा है, कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं ना तो पहला स्क्रीन आपको इसी तरह से खुल के आता है, ठीक है। तो इस पीछे देखिए पेड़ का वॉलपेपर लगा हुआ है, तो और इधर देखिए इधर आपको छोटे छोटे आइकॉन दिख रहे होंगे, ये सब माई कंप्यूटर है, फिर उसी तरह से कुछ वर्ड में बना हुआ है, यहाँ पे फोल्डर है, तो ये सब क्या है, आइकॉन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आइकॉन क्या है,
तो आइकॉन स्मॉल पिक्चर है, स्मॉल ग्राफिक्स, ठीक है। तो आइकॉन का डिफिनेशन यही है, स्मॉल ग्राफिक्स है, और जिसको क्लिक करने के बाद या तो आप कोई प्रोग्राम को खोल लेते हैं, या कोई फाइल खुल जाता है, या कोई फोल्डर खुल जाता है। तो प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, इन सब का आइकॉन रहता है, जैसे आप क्लिक करते हैं वो चीज़ खुल जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा चौकोर जो एरिया दिख रहा है, रेक्टेंगल एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? डेस्कटॉप, इसका नाम ही है डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में ये इमेज एक लगा हुआ है, ठीक है। और ये सब आइकॉन आपको दिख रहा है। इसी के नीचे क्या रहता है? टास्क बार। यहाँ पे जो रहता है टास्क बार, तो टास्क बार को काट के क्या कर दिया है, यहाँ पे रख दिया है। देखिए ये हो गया टास्क बार। तो यहाँ से एक एक चीज़ को आपको पकड़ना है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो एकदम फ्रेश खुलता है कंप्यूटर, कोई भी एप्लीकेशन अभी नहीं खोले हैं, तो उस समय आपको पूरा जो दिखता है वो डेस्कटॉप दिखता है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज़ एक्सपी का, मतलब सॉरी विंडोज़ एक्सपी का एलिमेंट, ठीक है। तो लॉग ऑन, ये लॉग ऑन क्या है, देखिए ऐसे समझिए। अभी अगर नेटवर्किंग में आप अगर जुड़े हुए हैं, चाहे आप एक ही कंप्यूटर रखे हैं या कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाते होंगे, तो देखते होंगे एक कंप्यूटर में दो तीन यूज़र बना के रखा है वो। तो अगर दो तीन यूज़र बना के रखा है तो वहाँ पे कंप्यूटर ऑन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? लॉग ऑन करना होगा। मतलब उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा, फिर आपका एंटर बटन दबाइएगा, आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। तो ये बोल रहा है ये क्या है, तो एक तरह का विंडोज़ एक्सपी का एलिमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका टास्क बार। टास्क बार का फोटो पूरा काट के रख दिया, टास्क बार अलग। ये कहाँ होता है? ये होता है डेस्कटॉप के नीचे, ठीक है। हमने बताया ना, इस पोर्शन में टास्क बार ये सटा हुआ होता है। तो टास्क बार कहाँ होता है? डेस्कटॉप के बॉटम में। तो ये सारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब आइए, जो ये टास्क बार है इसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए स्टार्ट बटन है। ये स्टार्ट बटन, यहीं से आप सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे आइकॉन आपको दिख रहे होंगे, ये सब आइकॉन। तो जो भी आप कंप्यूटर पर एप्लीकेशन खोलिएगा उसका एक आइकॉन यहाँ पे बन जाएगा, और जैसे आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिएगा तो यहाँ से वो आइकॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे करंटली अभी आपके कंप्यूटर में कितने एप्लीकेशन खुले हैं, आप टास्क बार को देख के बता सकते हैं। जितना आइकॉन यहाँ पे रहेगा वो सारे एप्लीकेशन, इसका मतलब अभी कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं। अब आइए यहाँ पे राइट साइड में, ये जो दिख रहा है इसको हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं, या नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते हैं। ये कहाँ दिखता है? आपका टास्क बार के राइट में। टाइम भी आपके टास्क बार के राइट में दिखता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए अब डेस्कटॉप का एलिमेंट बोल रहा है। तो डेस्कटॉप का एलिमेंट सबसे पहले स्टार्ट मेनू, इसको स्टार्ट बटन बोलिए या स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक आपके उसमें स्टार्ट मेनू जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पॉपअप निकलता है नीचे से। तो बोल सकते हैं कि इस तरह का छोटा सा विंडो खुलता है, और इसमें कुछ आपको एप्लीकेशन का यहाँ पे आइकॉन अवेलेबल होगा, एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वो सब जो भी यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है। कुछ चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम जो है वहाँ से आप जितने कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है उन सारे प्रोग्राम को आप वहाँ से खोल सकते हैं। माय डॉक्यूमेंट, मतलब अभी माय डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट आपका शो होगा, सारा डॉक्यूमेंट, जो भी करंट यूज़र, जो भी यूज़र अभी खोल के रखा है उस कंप्यूटर को, उस यूज़र का सारा डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट में शो हो रहा होगा। माय रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या शो हो रहा होगा, उसमें जो हाल ही में खोला गया डॉक्यूमेंट होगा वही शो हो रहा होगा, ठीक है। माय पिक्चर में सारा फोटो शो हो रहा होगा, और माय म्यूजिक के जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा गाना जितना म्यूजिक का वो वहाँ पे शो हो जाएगा। कंट्रोल पैनल सबसे इम्पोर्टेंट, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, मतलब उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जितना सेटिंग होगा सब आप कहाँ से करते हैं? कंट्रोल पैनल से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कंट्रोल पैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रन, रन एक छोटा सा
विंडो है जहाँ पे सर्च करने के लिए आता है, मतलब अब बोल सकते हैं सर्च करने में, लेकिन रन में जाकर एक छोटा सा कमांड दे दीजिएगा डॉस कमांड, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो स्टार्ट एंड एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए उसका एक कमांड होता है, वो जैसे रन में टाइप करके एंटर कीजिएगा वो एप्लीकेशन एक तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, रन हो जाएगा, समझे? बस ये है। या डॉस कमांड अगर दे दीजिएगा तो डॉस कमांड भी रन हो जाएगा। डॉस कमांड, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है पुराने ज़माने का, वो आज भी कंप्यूटर में रहता है। कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग उसको बोलते हैं आज के डेट में। लॉग ऑन हमने बता दिया, लॉग ऑन, लॉग ऑन मतलब कि यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉग ऑन हो जाते हैं। अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आप लॉग ऑफ कीजिएगा, ठीक है? और टर्न ऑफ करने का मतलब कंप्यूटर को ही बंद कर देना, पूरी तरह से आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब जितना भी है ये छोटी छोटी बातें आपको ये ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब टास्क बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही टास्क बार जो ऊपर हमने लिखाया वो है। टास्क बार कहाँ अपीयर होता है? बॉटम में, स्क्रीन के बॉटम में, ठीक है? चलिए अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग इससे बात कर चुके हैं। अब आते हैं स्टार्ट ए प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर खोलना है तो क्या करना है, तो ये आपको स्टेप याद करके रखना है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप ही पूछा जाता है, ठीक है? डायरेक्ट स्टेप, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे उसके बाद, तो देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है? तो स्टेप देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम को क्लिक करना है, फिर उसके बाद एसेसरीज को क्लिक करना है, और एसेसरीज के अंदर पेंट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हो उसको क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा पेंट आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह करके आप कैलकुलेटर खोल सकते हैं, इसी तरह करके आप नोट पैड खोल सकते हैं, छोटे छोटे चीज इस तरह से करके आप खोल सकते हैं। अगर अगर प्रोग्राम को बंद करना है तो क्या करना है, प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो भी विंडो है, जो भी विंडो है एप्लीकेशन विंडो, उसके ऊपर मतलब ये जो खुला है उसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस का साइन होता है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो फाइल मेनू में जाकर आप क्लोज ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है? चलिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। अब आ गया अब फाइल और फोल्डर से रिलेटेड बात, ठीक है? तो चलिए फाइल फाइल और फोल्डर से जो रिलेटेड बात है उस पर हम लोग आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ को बता देते हैं आपको, ठीक है? हाँ, जैसे कि ये आपको एक जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये क्या कह रहा था, विंडो। हम देखिए टास्क बार को नीचे छांट दिए, ठीक है? टास्क बार को छांट दिए, नीचे छोड़ दिए, ये पूरा क्या कह रहा था, विंडो। विंडोज नहीं, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ये क्या कहलाता है, विंडो, ठीक है? तो कोई भी एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा डबल क्लिक, तो उसका एक अलग से विंडो खुल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट, ये सर्च करने के लिए अगर क्लिक किया गया हुआ तो सर्च करने के लिए एक विंडो खुल गया, ठीक है? अब देखिए और कुछ चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ जो ज़रूरी है। सबसे विंडोज के सबसे ऊपर वाला जो ये बार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है? ये हो गया टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो विंडो आप खोलते हैं उस विंडोज से रिलेटेड बातें यहीं इसी पे लिखी हुई होती हैं। तो देखिए सर्च रिजल्ट, हर विंडोज का एक नाम होता है ना, तो उसका नाम टाइटल बार पे लिखा हुआ है। अगर आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोलते हैं तो यहाँ पे लिखा रहेगा एमएस वर्ड, ठीक है? तो मतलब कि टाइटल हो गया, टाइटल मतलब नाम। तो जो विंडो खोलिएगा उसका नाम कहाँ से होता है, इसी बार पे, तो इसी के लिए इसका नाम पड़ जाता है टाइटल बार। और टाइटल बार पे ही आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखता है, ठीक है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखता है। चलिए इतना हो गया। अब आइए टाइटल बार के ठीक नीचे एक बार दिखता है आपको ये, इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं, मेनू बार। देखिए फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स,
हेल्प, ये सब क्या है, मेनू है। तो मेनू जिस बार पे अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया टूल बार, टूल बार, ठीक है। और उसके बाद ये जो दिख रहा है बार, ये होता है सर्च, एड्रेस बार, जहाँ पे आप कुछ लिख के सर्च करते हैं, इसी क्या बोलते हैं, एड्रेस बार, एड्रेस, एड्रेस बार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। तो ये तीन चार चीज़ जो हम बताएं आपको, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, किसे टाइटल बार बोलते हैं, किसे मेनू बार बोलते हैं, किसे टूल बार बोलते हैं, किसे एड्रेस बार बोलते हैं। चलिए, और नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टास्क बार। अब आ जाइए, ठीक है। अब हम लोग विंडोज़ के बारे में जानेंगे, विंडो के बारे में भी जानेंगे, और फिर विंडो से रिलेटेड जो छोटे मोटे टर्म है उसे भी हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं फाइल एंड फोल्डर। यहाँ पे लिखा है लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो पहले थोड़ा सा फाइल्स के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा फोल्डर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर फाइल्स क्या है, फोल्डर्स क्या है। तो देखिए, फाइल्स कोई भी कंटेंट अगर कंप्यूटर में है, जब आप उसे सेव करते हैं तो उसे एक नाम देते हैं, तो जैसे कोई नाम देकर आप उसे सेव करते हैं तो वो बन जाता है फाइल। तो फाइल आप बोल सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और जब आप उसे सेव कर देते हैं तो एक फाइल का नाम है। तो फाइल में कंटेंट होता है, कुछ नहीं कंटेंट, जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसमें बस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, हो सकता है उसमें कुछ ग्राफिक्स भी लगा हुआ हो सकता है, म्यूजिक का कोई फाइल हो जिसमें गाना हो तो गाना भी फाइल हो गया, फोटो ये भी फाइल हो गया, वीडियो ये भी फाइल हो गया। तो जो भी कंटेंट है अगर कंप्यूटर में है कहीं तो वो क्या कहलाएगा, फाइल, ठीक है। और वो सब फाइल जितना होता है उसको आप एक एक बॉक्स में रखते हैं, और इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्डर्स। तो फाइल को एक तरह से संग्रहित करके जिस जगह पे रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोल्डर्स। तो फोल्डर को अलग अलग नाम से हम लोग फोल्डर बनाते हैं और सब में रखते हैं। तो फोल्डर के अंदर आप फाइल भी रख सकते हैं और साथ में कोई दूसरा फोल्डर भी बनाकर उसमें आप रख सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइल एंड फोल्डर का डिफरेंस वगैरह इसमें नोट्स में नहीं है, इसलिए मैंने अलग से समझा दिया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, तो जो भी फाइल होता है उसके नेचर के अनुसार उसमें एक्सटेंशन लगा होता है। तो मैं कुछ एक्सटेंशन यहाँ साइड में लिख दिया हूँ, इसे जानना ज़रूरी है। तो जो भी फाइल का नेचर है उससे रिलेटेड एक्सटेंशन उस फाइल में ऐड कर दिया जाता है, फाइल के नाम के पीछे उसको कंप्यूटर आपका ऐड कर देता है। जैसे कि कोई म्यूजिक से रिलेटेड फाइल है, जैसे कि कोई गाना है, ठीक है, ठीक है, कोई गाना है, जैसे कि कोई भी गाना है, क्रिकेट से रिलेटेड कोई सॉन्ग है, आईपीएल से रिलेटेड, तो IPL.MP3 अगर आप ऐसे करके सेव करते खाली IPL, तो .MP3 वो ऐड हो जाता है। तो MP3 देख के ही पता चल जा रहा है इतना कि IPL नाम का कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है। और उसी तरह से अगर IPL.MP4 रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो है, MP4 का मतलब वीडियो। तो जिस तरह का फाइल उस तरह का एक्सटेंशन, तो ढेरों फाइल्स होते हैं और ढेरों एक्सटेंशन होते हैं। तो आपको कुछ एक्सटेंशन याद करके रखना है, जैसे कि MP3 ये म्यूजिक का, .png ये फोटो का, .jpg ये भी फोटो का, PDF ये जो PDF डॉक्यूमेंट होता है उसका, .txt ये जो भी टेक्स्ट फाइल होता है उसका, .doc ये जो भी हम लोग MS Word, माइक्रोसॉफ्ट Word में काम करके कुछ रिज्यूम वगैरह बनाकर उसे हम लोग सेव करते हैं, तो वो DOC या DOCX एक्सटेंशन में सेव होता है। तो DOC अगर 2003 वाला वर्जन में आप काम कर रहे हैं MS Word के, तो .doc होगा, और 2007 या उसके बाद वाला कोई भी वर्जन पे आप काम कर रहे हैं MS Word के, तो .docx होगा उसका एक्सटेंशन। उसी तरह से एक्सेल का, ठीक है, उसी तरह से पावर पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए, इतना आप समझ गए। MP4
ये कि किसके लिए हो गया, ये वीडियो के लिए हो गया। एपीके, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। एपीके फाइल एक्सटेंशन है किसका, एंड्रॉयड पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हम लोग उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एपीके। और जो विंडोज पे एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस एप्लीकेशन का क्या होता है एक्सटेंशन, exe। और आईफोन, आईफोन पे कोई अगर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है IPA। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। अब आइए, ठीक है, यहाँ अब कर रहा है लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर। अगर फाइल और फोल्डर आपके कंप्यूटर में है तो उसको एक तरह से खोजना, ठीक है, कहाँ पे है वो, तो उसके खोजने के लिए फिर आपको उसी तरह से काम करना होगा। स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए, फिर सर्च पे क्लिक कीजिएगा, फिर सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह का आपका एक बॉक्स आएगा और फिर इसमें आपको लिखना होगा, फिर आपको सर्च रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, मेन फाइल एंड फोल्डर आपको बताना था, ठीक है। चलिए अब आपके लिए इम्पोर्टेंट, अब थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने कवर कर लिया, थोड़ा बहुत और भी है इधर हम लोग देख लेते हैं। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर में किसी तरह का सेटिंग छेड़छाड़ करना हो तो आपको कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करना होगा। बस इतना आप जरूर ध्यान रखिए, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाइएगा और जैसे कंट्रोल पैनल खुलेगा तो ढेरों प्रकार का सेटिंग मिलेगा, जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप टूल्स का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे माई कंप्यूटर थोड़ा सा देखते हैं। माई कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर में, तो माई कंप्यूटर का यूज करके आप कंप्यूटर में जितने भी सेव है, मतलब जितने भी आप डाटा को स्टोर किए हैं उन सबको देख सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी कंटेंट फ्लॉपी डिस्क में है या हार्ड डिस्क में है या सीडी रोम में है या नेटवर्क ड्राइव में है उन सबको आप एक तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं माई कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क का तो ज़माना अब गया, लेकिन हार्ड डिस्क आज भी है और सीडी रोम भी आज भी है, मतलब तो सीडी लगाते हैं हम लोग, सीडी में अगर कोई डाटा हो तो देखना हो तो भी आपको माई कंप्यूटर का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो माई कंप्यूटर खोलने के लिए आप तो डायरेक्ट आइकॉन से भी खोल सकते हैं, डेस्कटॉप पे आइकॉन रहता है, नहीं तो फिर आपको स्टार्ट और माई कंप्यूटर पे जाना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ इस तरह का खुल के आता है, तो ये माई कंप्यूटर का विंडो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर लिखा है, माई कंप्यूटर का ये विंडो है, आपको ब्लर दिखा होगा, विंडो में जो भी टेक्स्ट लिखा है वो ब्लर है, ये PDF में जो फोटो है ना वो खुद ब्लर है, ठीक है। लेकिन फिर मैं जो बोल रहा हूँ उससे से आप काम चलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ टाइटल बार में लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, इसका मतलब माई कंप्यूटर का विंडो है, तो यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और यहाँ पे CD से रिलेटेड भी, अगर CD लगाइएगा तो आपका ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका शेयर्ड मतलब नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ जो भी फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पे होगा। तो बस आपको इतना बस ध्यान रखना है कि माई कंप्यूटर का यूज़ करके आप CD का भी कंटेंट देख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क का भी कंटेंट देख सकते हैं और जो भी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ कंटेंट है उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। विंडोज़ में फाइल मैनेजमेंट करने के लिए आपको माई कंप्यूटर का ही सहारा लेना होता है। माई कंप्यूटर का यूज करके आप सारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, आप सारे कंटेंट, सारे स्टोर किए गए फाइल को जब देख सकते हैं या फोल्डर को देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप फिर वहाँ से उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज करना ही फाइल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो विंडो खुलता है उसे विंडोज़ एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जब हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सा विंडो खोलते हैं, तो ऑप्शन में विंडोज़ एक्सप्लोरर यही सही ऑप्शन आपको दिखेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज करके आप फिर कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सब काम आप उसी से कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
वही विंडोज एक्सप्लोरर, फिर उस तरह से आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर एसोसरीज, एसोसरीज में आप जाइएगा तो विंडोज एक्सप्लोरर मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एसोसरीज खोलने के लिए क्या मतलब कि स्टेप है, तो ये आपको याद रहेगा तभी आप सही ऑप्शन क्लिक कर पाइएगा। पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, फिर विंडोज एक्सप्लोरर, तो ये इन सबको थोड़ा सा रखना होगा, ठीक है। तो अब लगभग हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यू डिटेल, जैसे कि कोई भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी अगर फाइल है, फोल्डर है, उसका अगर डिटेल अगर आपको देखना है तो मेनू बार का प्रयोग करना होगा। मेनू बार में देखिए व्यू एक ऑप्शन है, मेनू है, व्यू मेनू में जाकर आप फिर जब व्यू मेनू पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा आपको एक लिस्ट आएगा, तो उसमें आपको डिटेल ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो फिर पूरा डिटेल उसका शो हो जाएगा। डिटेल में क्या शो हो जाएगा, उसका जो भी मॉडिफाइड डेट है वो शो हो जाएगा, उसका जो टाइप है वो शो हो जाएगा, कितना साइज है वो शो हो जाएगा। तो ये सब किसी भी फाइल या फोल्डर से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा आपको जानकारी अगर देखना है तो डिटेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉपी, मूव और एक्सप्लोर। हम यूजिंग एक्सप्लोरर मतलब विंडोज एक्सप्लोरर का यूज करके कॉपी करना, मूव करना, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि खोलते कैसे हैं, तो ये तो आपको पहले से पता है कि ये तरीका है खोलने का। अब आ जाइए आगे, अब आगे आ जाइए, यहाँ पे ये सारा टॉपिक मैंने देखिए ड्रैग करना, ड्रैग करना मतलब माउस क्लिक करना, माउस क्लिक करके ही माउस को जब हम लोग खींचते हैं इधर उधर करते हैं तो उसे ड्रॉप ड्रैग करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, और फिर अगर खींचते हैं तो उसे हम ड्रैग करते हैं। तो किसी फाइल और फोल्डर को अगर आप ड्रैग करते हैं तो फिर उस तरह से भी आप उसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ यू ड्रैग एन आइटम वाइल प्रेसिंग द राइट माउस बटन यू कैन मूव, कॉपी और क्रिएट ए शॉर्टकट टू द फाइल इन इट्स लोकेशन। आप ड्रैग करते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या उसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है। अब अगर कॉपी करना है तो देखिए क्या करना है, टू कॉपी द आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग, आपको मूव नहीं करना है, ठीक है, केवल कॉपी करना है। तो प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग, जब आप ड्रैग कर रहे हैं तो उस दौरान कंट्रोल को दबाए रखिए तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, मूव नहीं होगा, कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करें कि इफ़ यू ड्रैग एन आइटम टू अनदर डिस्क इट इज कॉपीड नॉट मूव, जब आप एक एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में, हालांकि डिस्क का बात कर रहे हैं तो जो भी लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, हम लोग जिसको सी ड्राइव डी ड्राइव बोलते हैं, तो अगर सी ड्राइव से अगर डी ड्राइव में अगर आप ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। टू मूव द आइटम प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग, अगर सब शिफ्ट दबाते हैं और फिर ड्रैग करते हैं तब तो वो मूव हो जाएगा, ठीक है। मूव और कॉपी में अंतर होता है, मूव का मतलब होता है कि अपना ओरिजिनल जगह, पुराने जगह से वो फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाए, नए जगह पर चला जाए। कॉपी में मतलब होता है कि पुराने जगह पे भी फाइल रहे और नए जगह पे भी फाइल चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रैगिंग ए प्रोग्राम, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है, उसका क्रिएट हो जाता है उसका शॉर्टकट, ठीक है, प्रोग्राम कॉपी वगैरह नहीं होता, उसका शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। अब क्रिएट न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का क्या तरीका है, तो ये आपको पता है कि एक राइट क्लिक करके भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है आप उसे उसी तरह से याद कीजिए क्योंकि उसी तरह से ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। पहले क्या करा है, स्टार्ट बटन पे जाकर फिर माई डॉक्यूमेंट आपको खोल लेना है, फिर उसमें आपको फाइल मेनू, मेनू की बात कर रहा है, फाइल मेनू में जाना है, फिर न्यू पे क्लिक करना है और फिर उसमें सेलेक्ट फोल्डर, फोल्डर ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कीजिएगा तो आपके लिए फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें डिफ़ॉल्ट नाम पहले से शो होगा और आपको क्या करना है कि उसमें मतलब उसका डिफ़ॉल्ट नाम न्यू फोल्डर ही रहता है, फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपके लिए फोल्डर
दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको रीनेम करना है तो फिर वही सारा चीज़ आपको अपनाना होगा, आप फाइल मेनू में जाकर रीनेम ऑप्शन के थ्रू आप उसे रीनेम कर सकते हैं। डिलीट करना है तो फिर आपको उसी तरह से पहले माय डॉक्यूमेंट में जाकर जो भी है आपका फाइल, फिर उसको फाइल ऑप्शन में जाकर उसे क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो जब आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। तो एक चीज़ ये याद रखना है कि कोई भी डिलीट किया हुआ फाइल अगर फिर से आप वापस लाना चाहते हैं तो उसे आप रिसाइकल बिन में से जाकर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वो भी बात लिख रहा है कि फाइल और फोल्डर पे आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। तो ज़्यादातर लोग इसी को अपनाते हैं। जो भी फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में रहता है आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब पुराने अवस्था में उसे पुराने जगह पर भेज सकते हैं, ठीक है। अगर परमानेंटली डिलीट करना है किसी फाइल को फोल्डर को तो शिफ्ट को प्रेस करके फिर रिसाइकल बिन में ड्रैग करके लाइए, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब आ रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के बाद। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल का मदद लेना होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि पहले हम वो देखते हैं इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो पहले क्लिक स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, फिर कंट्रोल पैनल को क्लिक करना है और उसमें ऐड और रिमूव प्रोग्राम आएगा। तो ऐड न्यू प्रोग्राम को क्लिक करके फिर जो भी आपका सीडी या फ्लॉपी डिस्क में अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वहाँ से आप निकाल कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इतना यह ध्यान रखिएगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो तो भी कंट्रोल पैनल में जाते हैं। अब आता है रिमूव करना, मतलब कि अनइंस्टॉल करना, तो भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और फिर आपको रिमूव प्रोग्राम चेंज और रिमूव प्रोग्राम ऑप्शन के थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज को अपडेट करने की बात हो तो भी आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई हार्डवेयर को अगर इंस्टॉल करना है जैसे कि साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, तो अगर हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है तो भी आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना है और ऐड हार्डवेयर ऑप्शन पर डबल क्लिक करके फिर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप पहुँच सकते हैं। चलिए तो ये रहा, ये हम लोगों ने कवर किया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो कितना है उसको एक दो बार देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और फिर अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आते हैं, अच्छे खासे शॉर्टकट की आते हैं। अगर आपको याद है शॉर्टकट की तो आप अच्छे से एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए पहले बेसिक शॉर्टकट की है, थोड़ा सा फटाफट इसे भी देख लेते हैं। ऑल्ट एफ, तो फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम अगर आप खोल कर रखे हैं तो ऑल्ट एफ दबाइएगा तो आपके लिए फाइल मेनू खोल देगा, ठीक है। ऑल्ट ई दबाइएगा तो एडिट ऑप्शन खोल देगा, ठीक है। F1 दबाइएगा तो हेल्प खोल देगा। कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल एक्स से आइटम को कट करेगा, जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसे कट करेगा। शिफ्ट डेल से कट सिलेक्टेड आइटम, शिफ्ट डेल से भी क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करेगा। कंट्रोल इंसर्ट से भी कॉपी करता है, इंसर्ट एक बटन भी होता है। कंट्रोल वी से भी पेस्ट करता है और शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट करता है। होम, गो टू बिगनिंग ऑफ करंट लाइन, अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कोई टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो अगर किसी लाइन में है, लाइन के बीच में है, तो जैसे आप होम बटन क्लिक कीजिएगा तो उस लाइन के जिस लाइन के बीच में है वहाँ पर पहले में आ जाइएगा, एकदम लाइन के शुरुआत में आ जाइएगा, बिगनिंग में आप आ जाइएगा। कंट्रोल प्लस होम, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आप आ जाइएगा, ठीक है। अब लाइन नहीं, एक नंबर लाइन के पहले, बस इतना समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट के बिगनिंग वहीं पर हुआ। एंड जैसे आप कीजिएगा तो करंट लाइन के एंड में चले जाइएगा, मतलब जिस लाइन में अभी आप हैं उसके एंड में चले जाइएगा। कंट्रोल एंड जब आप दबाइएगा तो आप डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाइएगा, मतलब कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके एकदम लास्ट में, आखिरी में आपका कर्सर चला जाएगा। तो कर्सर किसे बोलते हैं, देखिए कर्सर, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए यही टेक्स्ट लिखा हुआ है
और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ब्लैक कलर का आई ब्लिंक होता है, ये भुक भाई ब्लिंक करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बैक स्पेस दबाते हैं तो इधर डिलीट होना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर कुछ टाइप करते हैं तो यहीं पे लिखाना शुरू हो जाएगा, तो जहाँ आपका कर्सर रहता है वहीं पे कोई चीज़ लिखाता है या डिलीट होता है, ठीक है। मतलब कीबोर्ड से आप कुछ लिखते हैं तो वहीं टाइप होता है या डिलीट करते हैं बैक स्पेस से, तो वहीं डिलीट होता है, तो इसे कर्सर भी बोलते हैं या इसे इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ आप समझ गए और आगे, तो उसी के बात कर रहे हैं कि कर्सर आपका कैसे इधर उधर जा रहा है, उसी के लिए ये सब सारा शॉर्टकट की है। कह रहे हैं कि शिफ्ट प्लस होम हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगनिंग ऑफ लाइन, ये सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। हाईलाइट का मतलब सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कर रहा है ये आपके लिए। शिफ्ट प्लस एंड, जो भी करंट आपका पोजीशन है मतलब आपका कर्जर का, वहाँ से लेकर आखिरी तक सबको सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल, और ये हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट एरो की कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्जर है वो एक वर्ड लेफ्ट मूव होगा, एक वर्ड लेफ्ट। उसी तरह से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो एक वर्ड राइट मूव होगा, क्योंकि राइट एरो की है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, कुछ विंडोज की के साथ आपका है विंड की, विंडोज की एक होता है माउस, ये कीबोर्ड में कुछ इस तरह का देखिएगा, उस पर लोगो बनाया होगा, तो ये विंडोज की कहलाता है, ठीक है, इस तरह का। तो विंडोज की के साथ अगर आप डी दबाते हैं तो कह रहे ब्रिंग डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आपका टॉप में आ जाएगा, मतलब कि डेस्कटॉप हमने बताया ना डेस्कटॉप क्या होता है, शुरू में ही हमने बताया आपको डेस्कटॉप क्या होता है, मतलब जो भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो फ्रेश स्क्रीन दिखता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। तो मान लीजिए तीन चार एप्लीकेशन अगर आप खोल के रखे हैं तो उन सब का विंडो से डेस्कटॉप अभी आपका छुप गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप आपका ऊपर आ जाए, तो विंडोज की के साथ डी प्रेस कीजिएगा तो डेस्कटॉप आपका ऊपर आ जाएगा। अब विंडोज की के साथ अगर एम प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज ऑल विंडो, ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले वाले एग्जाम में, तो देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहा है वो, ठीक है। तो विन की प्लस एम से सारा मिनिमाइज हो जाता है, विन की प्लस शिफ्ट प्लस एम से ये क्या हो जाएगा, फिर अंडो द मिनिमाइज, जितना चीज मिनिमाइज हुआ था वो अंडो मतलब किससे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। विन की और ई से वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर खुल जाएगा आपका, विन की टैब से साइकिल थ्रू ओपन प्रोग्राम ऑन टास्क बार पर जो भी आपका प्रोग्राम ओपन है वहाँ से एक एनिमेशन साइकिल वाला आपको दिखना शुरू हो जाएगा, करके देखिएगा खुद पता चल जाएगा। विन की एफ डिस्प्ले द विंडोज सर्च एंड फाइंड, मतलब सर्च और फाइंड जो फीचर है वो आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो बस वो सब इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विंडोज प्लस रन, इससे आपका क्या हो जाएगा, रन विंडो खुल जाएगा, ठीक है। विंडोज प्लस पॉज या ब्रेक, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाएगा। विंडोज़ यू, ये यूटिलिटी मैनेजर आपके लिए विंडो खुल जाएगा। विंडोज़ ए लॉक कर देगा आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो एक्सपी में भी काम करता है या इसके बाद का जो भी वर्जन है उसमें काम करता है। विन की के साथ एल दबाइएगा तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा इधर भी है कुछ, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, अब बहुत सारा एप्लीकेशन आप ओपन करके रखें तो उसमें स्विच करेगा एक से दूसरे में, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अब स्विच बैकवर्ड करेगा मतलब फिर पीछे की तरफ वो स्विच करेगा। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन क्रिएट स्क्रीन शॉट, देखिए स्क्रीन शॉट लेने में आपका मदद करेगा जो भी आपका करंट प्रोग्राम है उसका स्क्रीन शॉट। कंट्रोल ऑल्ट डेल, ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, टास्क मैनेजर खोलता है कंट्रोल ऑल्ट डेल, ये टास्क मैनेजर आपका खोल देगा। कंट्रोल प्लस एस्केप, एस्केप बटन जिसको ESC लिखा होता है एकदम कोना में होता है राइट साइड के एकदम टॉप कॉर्नर में। ब्रिंग अप स्टार्ट मेनू, ऑल्ट एस्केप स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, जो भी टास्क बार का एप्लीकेशन खुल जाए सबको स्विच करेगा। F2
ये रीनेम कर देता है, कोई भी आइकॉन हो, फाइल हो, फोल्डर हो, उसके नाम को ये रीनेम कर देगा F3, ये स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, ठीक है, वो एक तरह से स्टार्ट खोल देगा, स्टार्ट विंडो। और F4 ओपन द ड्राइव सिलेक्शन वेन ब्राउजिंग, ये जो भी ड्राइव है सब खुल जाएगा इससे। F5 रिफ्रेश करने के लिए F5, तो ये तो आपको जानते ही हैं। Alt F4 कर क्लोज करेंट ओपन प्रोग्राम, जो भी आपका अभी प्रोग्राम ओपन है उसको क्लोज करेगा Alt F4 से। Ctrl F4 क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर अगर विंडो खुला हुआ है तो उससे क्लोज करेगा ये। तो जैसे कि एक्सेल वगैरह में आप विंडो, मतलब एप्लीकेशन के अंदर भी विंडो होता है तो उसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल फिर प्लस की, ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ ऑल कॉलम इन विंडोज एक्सप्लोरर, तो ये उतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑल्ट एंटर ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइकॉन ऑन प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर का आइकॉन अगर सेलेक्ट किया है तो ऑल्ट एंटर दबाइए, फिर उससे प्रॉपर्टीज खुल जाएगा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपका खुल जाएगा, ठीक है। बस उतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ और है, देखिए कुछ बातें और हैं, सारी बातें तो कवर नहीं हो पाएंगी एक वीडियो में, कवर हो भी जाएंगी लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसे हम यहीं रखते हैं। अब कुछ जो बातें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जैसे जैसे वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा फिर हम वहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, देखने के लिए धन्यवाद।